सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अपने कंट्री के लिए इतने मैचेस खेले, और एक प्राउड मोमेंट है मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए। और कोशिश यही होती है कि जिस तरह ऑब्वियसली बात है, जब आप डेब्यू करते हो और जो आपकी फीलिंग होती है और आप जिस तरह अचीवमेंट्स करते जाते हो अपने कैरियर में, और अलहमदिल्ला जैसे आज 50वां मेरा T20 मैच है और फीलिंग्स सेम है। और मेरे लिए कोई भी मैच हो, चाहे वो पहला मैच है वो पाकिस्तान के लिए, जितने जो भी मैच खेलूँ, जब आप प्रो के अंदर इंटर होते हो आपकी फीलिंग उस तरह होती है जो आप अपनी कंट्री को जिस तरह सर्व करने की कोशिश करते हो। मैं जब भी इंटर होता हूँ अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, और कोशिश यही करता हूँ कि जो मेरी एफर्ट्स हैं, जब मैं ग्राउंड में इंटर हो जाता हूँ, और जो मेरी एफर्ट्स हैं, जो मेरी कमिटमेंट है, उसमें मैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ। उस टाइम तकरीबन 11 की एवरेज थी, तो अंदर नवाज भाई खेल रहे थे, उन्होंने कह रहे हैं कि एक साइड से आप हिट करोगे क्योंकि अगेंस्ट दी विन हमने हिट नहीं करनी थी, तो उस तरह बस लेके गए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अच्छी हमारी पार्टनरशिप हुई है और रन चेज हो गया, यही हमारा प्लान था। और उन्होंने जिधर उनको मैंने कहा मुझे हमें बाउंड्री ज़रूरत है, उधर अल्लाह का शुक्र हमें बाउंड्री मिली है, तो उस वजह से हमारा स्कोर मेंटेन हो गया। जैसे पहले मेरी नहीं, मैं वैसे हो रहा था परफॉर्म, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये आखिरी लास्ट मैच वर्ल्ड कप से पहले मुझे काफ़ी बूस्ट अप हूँ मैं इस इनिंग से, और काफ़ी मेरा मोरल हाई है। और बाकी टीम मैनेजमेंट और कैप्टन और जितने टीम प्लेयर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे हर मैच में बूस्ट अप किया, और साथ अपनी फैमिली का भी जो मुझे सारी सपोर्ट करते रहे हैं, और मैं काफ़ी उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सपोर्ट किया, तो आज कुछ मैं टीम के लिए कुछ कर पाया। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वर्ल्ड कप, इंशाल्लाह पूरी तैयारी है और इंशाल्लाह मेडल लेके चलेंगे।